आज हम आपको पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन एंड रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। सो हाउ टू पास द पॉइंटर इन सी, जस्ट सी। सी प्रोग्रामिंग अलाउज पासिंग अ पॉइंटर टू अ फंक्शन। टू डू सो सिंपली डिक्लेयर अ फंक्शन पैरामीटर एज अ पॉइंटर टाइप। फंक्शन में जो पैरामीटर होता है उसको पॉइंटर टाइप का जब हम डिफाइन करते हैं तो हम पॉइंटर में पॉइंटर को फंक्शन में पास कर सकते हैं। पॉइंटर में एड्रेस हम वेरिएबल का पास करते हैं और पॉइंटर उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस करता है। फॉलोइंग इज अ सिंपल एग्जांपल वेयर वी पास साइन लॉन्ग पॉइंटर टू फंक्शन एंड चेंज द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन विच रिफ्लेक्ट बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट करके वापस करता है। सबसे पहले हम दोनों stdioh लेंगे, हेडर फाइल, फिर टाइम डॉट एच लेंगे, फिर void get seconds unsigned long star par लेंगे। par is for parameter। एक हम pointer define कर रहे हैं par नाम से। int main unsigned long second। अब second को हम long में, long second को हम as a variable define कर रहे हैं और उसके एड्रेस को गेट सेकेंड में पॉइंटर में पास कर रहे हैं। तो जब हम गेट सेकेंड का एम्परसेंड लगा देंगे तो उसका एड्रेस फंक्शन के पैरामीटर में पास हो जाएगा जो कि अनसाइन लॉन्ग है। वहाँ पर पार की वैल्यू टाइम इक्वल्स टू नल कर देंगे। नल मीन्स जीरो होता है। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो एड्रेस क्योंकि लॉन्ग अनसाइंड है तो हम एलडी करके उसको प्रिंट करेंगे। तो ये एड्रेस आपका आउटपुट कितने सेकेंड्स आया, नंबर ऑफ सेकेंड्स प्रिंट कर देगा। एड्रेस को पैरामीटर में पास करेगा और यहाँ पर पॉइंटर में टाइम को नल करेगा और उसमें कितने सेकेंड्स आए वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम फंक्शन में पॉइंटर में जो वैल्यू बदलते हैं वो पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, द फंक्शन विच कैन एक्सेप्ट अ पॉइंटर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट एन एरे। जो फंक्शन पॉइंटर एक्सेप्ट करता है वो एरे भी एक्सेप्ट करता है, जो हमने आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में बताया था। एक्सेप्ट एन एरे शोइंग फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इसमें एक एरे ले रहे हैं हम लोग बैलेंस नाम की, जिसमें फाइव इंफॉर्मेशंस हैं, स्टोर एलिमेंट्स हैं, जिसको हम डबल गेट एवरेज नाम के फंक्शन में पास करेंगे। तो इंट स्टार ए आर आर एक पॉइंटर बनाया और साइज इसमें डिफाइन की कि फाइव है। तो जब हम बैलेंस फाइव नाम की एक एरे डिफाइन करेंगे और उसको डबल फॉर्म में लेंगे तो पॉइंटर जो हमारा पास होगा वो कैसे पास होगा, पास अ पॉइंटर टू एरे, टू द एरे एज अ आर्गुमेंट, उसमें करेंगे गेट एवरेज बैलेंस कॉमा फाइव। अब बैलेंस हमने पहले बताया था कि फर्स्ट नाम जो होता है एरे का वो एक्सेल एड्रेस होता है। तो यहाँ एम्परसेंड नहीं लगा रहे हैं, बैलेंस लिख करके फंक्शन में पास कर रहे हैं। फंक्शन में ए आर आर नाम का पॉइंटर है जिसमें आपका बैलेंस जाता है और इंट साइज में पाँच चला जाएगा जो हमने फाइव दिया हुआ है यहाँ पे। आई सम इक्वल्स टू जीरो, वैल्यू दोनों की जीरो असाइन की जो कि लोकल वेरिएबल है। डबल एवरेज किया वो भी एक लोकल वेरिएबल है। और देखिए यहाँ डबल डिफाइन है जो मेन का वेरिएबल, और यहाँ डबल जो डिफाइन है वो गेट एवरेज फंक्शन का वैल्यू है, वेरिएबल है। अब हमने एक फॉर का लूप चलाया और एरे को हमने सम किया। तो एरे जो हमारी पास होके आई है वो ए आर आर आई कर देंगे। आई में हमारा 1/1 0 to 4 वैल्यू आएगी और जो फंक्शन की वैल्यू, जो एरे की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद हम एवरेज उसका निकालेंगे। एवरेज इक्वल्स टू डबल सम अपॉन साइज। जब हमने बताया कि फ्लोट या डबल होगा तो कास्टिंग करनी पड़ती है नंबर को डबल या फ्लोट में बदलने के लिए, जो वेरिएबल है उसके आगे ब्रैकेट में डबल या फ्लोट लिखते हैं और रिटर्न एवरेज करेंगे।
जब रिटर्न एवरेज करेंगे तो ये फंक्शन मेन में आएगा और यहाँ पर एवरेज को प्रिंट कर देगा, किस फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में, और रिटर्न जीरो हो जाएगा और आपका वैल्यू एरे की सम करेंगे हम तो 1020 70, अब 1072 आया, उसको 5 से डिवाइड करेगा तो 5 2 10 और 5 1 5 और 5 4 2 1 4.4 आ जाएगा, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम आउटपुट निकालें, देखिए 2 1 4.4, और क्योंकि फ्लोट में प्रिंट करना तो 5 डिजिट तक इधर प्रिंट कर लेगा। अब रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन, अब इसी तरह से हमने पहले सिंपल वेरिएबल पास किया एड्रेस और फिर एरे पास किया पॉइंटर में, और दोनों को कैसे वो प्रिंट करेगा दिखाया आपको। अब हम लोग चलते हैं कि रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन से पॉइंटर कैसे रिटर्न होगा। आप यहाँ पर रिटर्न एवरेज लिख रहे हैं तब वैल्यू वापस जा रही है, बिना हम रिटर्न किए कैसे वैल्यू को वापस ले सकते हैं फंक्शन में से। ये देखिए यहाँ पर रिटर्न जब आप कहते हैं और यहाँ पॉइंटर में वैल्यू डाल रहे हैं तो वो उसके एड्रेस में स्टोर हो जाती है, तो क्या करेगा वो आपका वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। वैल्यू आपके पॉइंटर में जब जाएगी तो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी, और जब पॉइंटर में नहीं जाएगी एड्रेस में जाएगी तो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है वो, फंक्शन टू जनरेट द रिटर्न रैंडम नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा, एरे में जनरेट करेंगे हम। सी अलाउ द रिटर्न द पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन, टू डू सो यू वुड हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर एज इन फॉलोइंग सैंपल एग्जाम्पल, फंक्शन विच विल जनरेट 10 रैंडम नंबर एंड रिटर्न देम यूजिंग अ एरे नेम विच रिप्रेजेंट अ पॉइंटर। जो एरे हम डिफाइन करते हैं वो एरे पॉइंटर से हम डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टैटिक इंट आर एक वेरिएबल और एक फंक्शन में डिफाइन कर देंगे, और फंक्शन टू जनरेट द रिटर्न रैंडम नंबर। अब यहाँ पर सेट द सीड, मतलब कहाँ से नंबर जनरेट होना शुरू करे उसके लिए हमने टाइम लगा दिया नल, मतलब जीरो से स्टार्ट करे। एस रेंड एक फंक्शन है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब फॉर i इक्वल्स टू जीरो, i इक्वल्स टू लेस देन 10 प्लस प्लस i, तो जब हम ऐसे रेंड कर देंगे तो वो स्टार्टिंग का नंबर का पोजीशन बता देगा कि नल से स्टार्ट करो और रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। इसके लिए हम लोग ने देखी हेडर फाइल टाइम ली है, तो टाइम लेने से वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। यहाँ पर इस रैंडम नंबर को जो जनरेट हो रहा है वन बाई वन, हम 10 नंबर्स को आर आई जो हमने स्टैटिक इंटीजर डिफाइन किया है फंक्शन के अंदर उसमें स्टोर कर देता है और उसको प्रिंट कर देता है, और फिर हम रिटर्न आर जब कहते हैं तो क्या करता है आर की वैल्यू को एरे की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो कैसे करता है, सबसे पहले मेन में जाएंगे, पॉइंटर टू इंट टू एन इंट, पॉइंटर डिफाइन किया पी, int i define किया get random number करा। अब get random number करेंगे तो यहाँ पे value define हो गई और return r हो रहा है। return r होने से क्या होगा, यहाँ पर आएंगे random number की array p में चली जाएगी, उसका address आ रहा है क्योंकि return r किया तो उसका address आ रहा है तो p में चला जाएगा। अब p को pointer को हम print करेंगे, उसको print करने के लिए array print करने के लिए हमें स्टार लगा के पी प्लस अगर उसकी पोजीशन देते हैं हम तो वो प्रिंट होता है, परसेंट डी करेंगे और फिर आई स्टार पी प्लस आई करेंगे। आई पहली बार जीरो होगा तो पी की जो एड्रेस होगा उसमें जीरो जब ऐड होगा तो वो इंटीजर टाइप है तो टू वैल्यू से आगे बढ़ जाएगा एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से देखिए ये रेंडम नंबर जो जनरेट हो रहा है वो वन बाय वन एड्रेस एरे में प्रिंट होगा। अब हमारे हमको ये बताना है कि हम फंक्शन में से केवल एक ही वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते,
मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं. फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू यूजिंग पॉइंटर. जब हम पॉइंटर डिफाइन करते हैं तो वो एड्रेस में वैल्यू को बदलता है ना कि वेरिएबल में. तो जब हम एड्रेस में वैल्यू बदलते हैं तो हम रिटर्न करें या ना करें उसके बफर में जाकर वो वैल्यू को चेंज कर लेता है. तो रेफरेंस मेथड अलाउ टू रिटर्न मोर देन मोर वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन. तो जब हम एक से ज़्यादा पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं तो एक से ज़्यादा वैल्यू हमको रिटर्न हो जाएगी. अभी तक हम एक ही वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे देखिए डिफाइन कर रहे थे एक एरे डिफाइन कर रहे थे, तो एरे के थ्रू जब गए तो मल्टीपल वैल्यू मिल गई. फिर उसके ऊपर हमने डिफाइन किया था कि गेट एन एवरेज बैलेंस, तो केवल एवरेज रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे सम नहीं रिटर्न हो रहा था. फिर उसके ऊपर हमने डिफाइन किया था, पास किया था पॉइंटर को, तो पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे करेंट नंबर ऑफ सेकेंड दे रहा था. अब हम लोग जब कई पॉइंटर डिफाइन करेंगे तो कई वैल्यू हमको रिटर्न हो जाएगी. कैसे करेंगे? अब हम किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर और एरिया ले लेते हैं और पेरी एरिया नाम का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ लेते हैं. फ्लोट स्टार और फ्लोट स्टार दो हम पॉइंटर डिफाइन करते हैं तो दो वैल्यू हमारी पेरीमीटर और एरिया की रिटर्न हो जाएगी. कैसे रिटर्न होगी? सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ को रीड करना पड़ेगा, फिर पेरी एरिया नाम के फंक्शन में लेंथ ब्रेथ और पेरी और एरिया के एड्रेस को पास करेंगे. जब एड्रेस को पास करेंगे तो वो फंक्शन में आएगा. फंक्शन में आने पर यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एल और बी में जाएगी और पैरामीटर और फ्लोट एरिया में पैरामीटर और एरिया का पेरी और एरिया का एड्रेस आएगा. तो डिक्लेयर हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल पैरामीटर और एरिया फंक्शन में. अब उसमें हम 2 × L + B जब करेंगे तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी उसके एड्रेस में. एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ करेगा और जब हम उसको वापस मेन में, अब हमें वापस देखिए यहाँ रिटर्न नहीं कर रहा है, वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने डायरेक्ट पॉइंटर में वैल्यू डाल दिया. तो यहाँ पे वापस जो वैल्यू आएगी उसको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल करेंगे और फ्लोट पैरी करेंगे क्योंकि फ्लोट टाइप का हमने डिफाइन किया है तो पैरामीटर प्रिंट हो जाएगा. और जब ए आर प्रिंट करेंगे क्योंकि हमने एरिया के लिए ए आर लिया है तो एरिया जो हमारा फंक्शन में कैलकुलेट हुआ था वो प्रिंट हो जाएगा. हमें यहाँ पर पैरामीटर और एरिया को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी. यहाँ पे एक जीरो और लगेगा क्योंकि फ्लोट टाइप है. तो इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर भी फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं या पास कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंटर हाउ टू यूज विद अ फंक्शन. वो हमने आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में समझा दिया था लेकिन पॉइंटर के साथ आपको नहीं समझाया था. पॉइंटर को ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था आपको, इसलिए पहले पॉइंटर पढ़ाया और फिर से उसको डिक्लेयर करके आपको बता रहे हैं. आशा है कि आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट करिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हम उसके लिए कैसे वीडियो बना देंगे. मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और कम्युनिटी पे जाके वीडियोस देखिए और अपने चॉइस के हिसाब से प्लेलिस्ट में जा कर के स्टडी करिए जो लैंग्वेज आपको पढ़ना हो. उसमें सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, एनिमेशन, फ्लैश, एक्सेल, एडवांस सारा कुछ दिया हुआ है. सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.